दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 28 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण है करंट अफेयर है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य जुड़ जाएं PDF के लिए। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। तीन प्लान है, तीन प्लान में से आप कोई सा भी एक प्लान खरीद सकते हैं, चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनते हैं उनके लिए बहुत ही जो है स्पेशल ग्रुप बना है उनका, और उसमें आपके लिए ऐड कर दिया जाता है, जहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना, हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है। तो चार विकल्प दिए हैं आपके सामने, तो आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि किस देश में, वह देश कौन सा है जिसने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर चौराहे का नाम रखा है। तो यहाँ पर आपके सामने चार विकल्प हैं और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर एक, यानी कि पोलैंड। पोलैंड यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक पोलैंड आपका यहाँ पर सही आंसर। देखिए, पोलैंड के ब्रोकला शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक लाइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की, साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की, और इस साइन बोर्ड पर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुबाला है, यह आपके लिए याद रखना है। कौन सी इनकी प्रसिद्ध कृति? मधुबाला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दो है अपना, निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर दो है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला कौन सा राज्य है? पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या झारखंड? चार विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन नंबर दो है। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड जिन्होंने भी सी बताया है उनका सही आंसर है। और आखिरी तक बने रहें क्योंकि आखिरी में आपके लिए एक चैलेंज प्रश्न दिया जाता है जिसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना होता है। जो भी कमेंट में आंसर लिखता है विस्तृत, तो उसका कमेंट अगली वीडियो में शामिल किया जाता है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला राज्य पहला राज्य बना है तो वह उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। प्रदेश में अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण कराया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन, यहाँ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर अपना तीन है, तो आंसर इसका क्या होगा? क्या है सुप्रीम, अमेरिका जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट है इनके जो जज हैं निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर एक। क्या है? एमी कोनी बैरेट यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर एक जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अमेरिका में आम चुनाव में से एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कोनी बैरेट ने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने उन्हें शपथ दिलाई है। सीनेट के अनुसार एमी कोनी के पक्ष में 52 वोट और विरोध में 48 वोट पड़ी। और व्हाइट हाउस के ट्वीट ने ट्वीट किया कि एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय के 115वें एसोसिएशन जस्टिस होंगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार है अपने यहाँ पर, क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चार है। चार विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? तो यह की है कहां पर? आपका सही आंसर है गुजरात, विकल्प नंबर सी यहां पर राइट आंसर होगा, गुजरात।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक बिजली जो है मिलेगी और राज्य सरकार ने साल 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया है। 3500 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? तो वह देश है, कौन सा देश है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। तो 35 साल बाद मिला है यह, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह भारत, विकल्प नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद को चुना गया है। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। क्या होगा आंसर, 10 जनवरी, 15 मार्च, 24 अक्टूबर, 12 मई। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 6 है और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। कब हुआ था, 1945 में। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे तथा 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर सरकारी संगठन है, यह आपके लिए याद रखना है, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, क्या है, निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? तो कौन सा देश है वह आपके लिए बताना है। 4 विकल्प दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी यानी कि सूडान। सूडान विकल्प नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। देखिए सूडान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौता किया है। समझौता के मुताबिक बहरीन, यूएई और इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुए हैं। तीनों देशों के संयुक्त बयान के मुताबिक सूडान और इजराइल के बीच संबंध सामान्य करने और टकराव खत्म करने को लेकर सहमति बनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो क्या है इसका सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 है, ताइवान, भारत, चीन या रूस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 है आपका ताइवान, वह यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 ताइवान यहाँ पर सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणाली को संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसका कुल मूल्य 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। वहीं ताइवान की सक्रियता को देखते हुए चीन ने भी अपनी सामरिक तैयारियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ताइवान बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीदता है और अमेरिकी विदेश विभाग ने 1 अरब डॉलर लागत वाली 135 SLAM ER मिसाइल और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये चैलेंज प्रश्न था पिछले वीडियो का जो हमने दिया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला जो स्थित है यह बताना था। तो बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर बताया था, केरल। केरल इसका सही आंसर था। कहाँ पर है सबरीमाला स्थित है, तो केरल यहाँ पर सही आंसर है। और यहाँ पर देखिए ऋतिका ठाकुर हैं, इन्होंने लिखा है, ऋतिका ठाकुर जी ने सबरी
मालाकियर के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 1.5 से 2 करोड़ श्रद्धालु दर्शन के लिए तथा तीर्थ के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर हाल ही में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ अयप्पा स्वामी का मंदिर है। सबरीमाला मंदिर का नाम सबरी के नाम पर रखा है, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है। यह मंदिर 18 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। यह भी आपके लिए याद रखना है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। से यहाँ तक पहुंचने में लगभग 175 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती है। और ये है आज का आपका चैलेंज प्रश्न। आज का चैलेंज प्रश्न आपका क्या है, देखिए, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में? चार विकल्प दिए हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मिजोरम। तो इस प्रकार आपको आंसर कमेंट में लिखना है, और इसी तरह अगर आप भी विस्तृत लिखेंगे तो आपका भी कमेंट अगले वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो याद रखना है, अच्छे से विस्तृत लिखें आप, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? चार विकल्प है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो को देख सकें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं, क्योंकि बहुत ही कम में यहाँ पर जो प्लान उपलब्ध हैं, तो आप चैनल के ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनता है, उनके लिए क्या होता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आपके लिए शामिल कर दिया जाता है। तो वहाँ पर जो भी क्लास होती है उसकी PDF और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए वहाँ पर ग्रुप में उपलब्ध कराया जाता है। और बहुत सारे फायदे हैं जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनते हैं और चैनल को सपोर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।